गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साथियों के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ लेसन बिपिन चौधरी स्लैब्स ऑफ मेमोरी का तीसरा भाग जो है उसका ट्रांसलेशन हम कर रहे थे, जिसमें बिपिन बाबू जो है चुनी लाल नाम के उनके सहपाठी जो कि काम के सिलसिले में उनके पास में आया था, उनसे बातचीत कर रहे थे और जिसमें उन्होंने बिपिन बाबू ने जो चुनीलाल से पूछा था कि क्या मैं कभी रांची गया था, आपको मालूम है 1958 में, तो उनसे वे हैरान हो गए थे चुनीलाल, और उन्होंने कहा था कि आपको आपके रांची जाने में संदेह है, तो फिर उन्होंने पूछा था कि आपको पक्का विश्वास है कि मुझे जो है वो मैं जो है वो रांची गया था, तो चुन्नी जो है वो सोफे पर बैठ गया था और बिपिन बाबू को कठोर निगाहों से काफ़ी देर देखते रहा और फिर उनको बोला था कि आपने कोई नशा वगैरह किया है, नशे की दवाइयाँ वगैरह ली है इस मामले में, मैंने कभी नहीं सोचा कि आप जो है वो दवाइयाँ वगैरह से नशा वगैरह करते होंगे, लेकिन फिर भी जो है वो आपको देख करके इस प्रकार से मुझे जो है वो लग रहा है, आपकी और आपकी पुरानी मित्रता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी याददाश्त जो थी वो तो अच्छी थी, आप अपनी रांची यात्रा के बारे में कैसे भूल गए हो। तो बिपिन बाबू चुन्नी की अविश्वासी नज़र से उनको मुंह फेरना पड़ा था और फिर चुन्नीलाल ने पूछा था कि आपको ये बात याद है कि मेरी अंतिम नौकरी जो है वो कौन सी थी, तो तब जो है बिपिन बाबू ने कहा था निसंदेह आप एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। फिर जो है बिपिन बाबू ने कहा चुन्नीलाल ने कहा था कि आपको वो बात तो याद है कि मैं कहाँ नौकरी करता था, लेकिन ये बात याद क्यों नहीं है कि आप रांची गए थे, आपके लिए मैंने रेलवे की टिकट जो है वो बुकिंग की थी, आपको विदा करने के लिए मैं स्टेशन पर आया था, आपके डिब्बे के पंखों में से एक पंखा जो है वो काम नहीं कर रहा था, तो मैंने बिजली कर्मचारी को बुला करके ठीक करवाया था, आप सब भूल गए हैं, आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं दिखते, आप जानते हो। बिपिन बाबू ने गहरी सांस ली थी और अपना सिर हिलाया था, अंत तक उन्होंने कहा था मैं बहुत मेहनत करता हूँ कर रहा हूँ, तो अवश्य वही कारण रहा होगा, किसी विशेषज्ञ से मिलकर मुझे राय अवश्य लेनी चाहिए। बिपिन की दशा निसंदेह ऐसी थी जिससे चुनीलाल को नौकरी के बारे में कुछ भी पूछे बिना ही वहाँ से जाना पड़ा था। परेश चंदा चमकीले आकृति की नाक वाला एक युवा चिकित्सक था, जब उसने बिपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुना तो वह विचारमग्न हो गया। बिपिन बाबू ने निराश होकर कहा देखो डॉक्टर चंदा, आपको मुझे इस भयानक बीमारी से ठीक करना होगा, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये मेरे काम को कितना प्रभावित कर रही है। तो डॉक्टर चंदा ने अपना सिर लाया और उसके बाद आज हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या हुआ। देखो लिखा है यू नो वाट मिस्टर चौधरी, इसे डॉक्टर ने कहा था कि मिस्टर चौधरी आप जानते हैं, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, आपके इस मामले जैसा कोई मामला मेरे सामने कभी नहीं आया। प्राइवेटर स्पष्ट रूप से कहा था दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये मेरे अनुभव क्षेत्र से बाहर, मुझे ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ है, मेरे सामने कोई इस प्रकार का केस कभी नहीं आया है और ये मामला जो है मेरे अनुभव क्षेत्र से बाहर। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन एक सुझाव है, आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, मैं नहीं मानता या मैं नहीं जानता कि ये काम करेगा, लेकिन इसको आजमाना जरूर चाहिए, आजमाने का प्रयास करना चाहिए, हो सकता है कि ये काम करे, इट कैन डू नो हार्म, और इससे कोई नुकसान नहीं होगा। बिपिन बाबू मेड फॉरवर्ड नेक्स्टली, बिपिन बाबू जो है वो चिंतित होकर के आगे झुके। एज फार एज आई कैन मेक आउट, जहां तक मेरा मानना है, सेड डॉक्टर चंदा ने कहा, एंड आई थिंक यू
आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मेरा ये भी मानना है, ये भी सोचता हूँ कि आपकी भी यही राय है, यू मस्ट हैव यू रांची, कि आप रांची अवश्य गए होंगे, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन किसी अज्ञात कारण से द एंटायर एपिसोड वॉज हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, लेकिन किसी अज्ञात कारण से पूरा मामला जो है, पूरा घटना जो है, एपिसोड जो है, आपके दिमाग से खिसक गया है। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, और मेरा सुझाव यह है, या मेरा सुझाव जो है वो यह है कि आपको एक बार रांची वापस जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, और वहां का दृश्य जो है वो आपको, हो सकता है कि आपकी उस यात्रा का याद दिलाए। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इसके अलावा मैं इस क्षण आपके लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग और नर्व पॉलिश, मैं आपको एक तंत्रिका शक्ति बढ़ाने की दवा लिख रहा हूँ, एंड ट्रेंकुलाइजर और एक नींद दिलाने की दवा जो है वो लिख रहा हूँ। स्लीप इज असेंशियल, नींद आवश्यक है इस मामले में, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, आपको उभरना, और अगर नींद नहीं ली तो लक्षण जो है वो और ज्यादा उभरेंगे। Bipin Babu had somewhat better the next morning. अगली सुबह उन्होंने कुछ दवाइयाँ वगैरह ली होगी पहले, तो अगली सुबह बिपिन बाबू ने थोड़ा अच्छा महसूस किया। After breakfast, नाश्ते के बाद he rang up his office, अपने ऑफिस अपने कार्यालय में फोन किया, ये उनको कुछ निर्देश दिए, एंड देन procured a फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची, और उसके बाद उन्होंने रांची के लिए प्रथम दर्जे का टिकट जो है वो और द सेम इवनिंग उसी शाम को जो है वो उन्होंने बुक करवाया, मतलब उन्होंने रांची जाने का निश्चय कर लिया था। तो ये जो है वो आपका ये तीसरा पार्ट जो है वो तीसरे पार्ट का जो है वो अंतिम भाग था, बिपिन बाबू वापिस रांची जो है वो जाने का तय किया है, उन्होंने जा रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा और एक बार स्पष्ट कर लेता हूँ। बिपिन बाबू जब डॉक्टर चंदा के पास में गए, प्रेत चंदा के पास, तो जब उन्होंने उनके बारे में सुना तो वे विषाद मग्न हो गए, और उन्होंने कहा कि मेरे सामने ऐसा कोई केस जो है वो पहले इससे पहले कभी नहीं आया, और स्पष्ट रूप से कहूँ तो ये मेरे अनुभव क्षेत्र से बाहर है। लेकिन मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ, मैं नहीं जानता कि ये काम करेगा, लेकिन इसको आजमाना चाहिए, आजमाने का प्रयास करना चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो बिपिन बाबू उस सुझाव को सुनने के लिए चिंतित होकर के आगे झुक गए, और फिर उन्होंने डॉक्टर चंदा ने कहा, जहाँ तक मेरा मानना है या मैं जानता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि आपकी भी यही राय है कि आप जो है वो रांची अवश्य गए होंगे, लेकिन किसी या किन्हीं अज्ञात कारणों से वो पूरी घटना जो है आपके रांची जाने की, वो यात्रा जो है वो पूरी आपके दिमाग से निकल गई, और मेरा सुझाव जो है वो ये है कि आपको एक बार रांची पुनः जाना चाहिए, और वहाँ के दृश्य जो है हो सकता है कि आपको आपके उस यात्रा की याद दिलाए, ये मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, और इससे ज़्यादा मैं अभी आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तंत्रिका शक्ति बढ़ाने की और नींद दिलाने की एक दवाई जो है वो लिख रहा हूँ, नींद आवश्यक है, नहीं तो लक्षण जो है वो और उभरेंगे। बिपिन बाबू ने दूसरी सुबह जो है वो इससे राहत महसूस की, अच्छा महसूस किया, उन्होंने नाश्ते के बाद में अपने कार्यालय में फोन किया, उनको कुछ निर्देश दिए, और उसी शाम को उन्होंने प्रथम दर्जे का रांची के लिए जो है वो टिकट बुक करवाया। तो ये आपकी जो है वो थर्ड पार्ट का जो है वो लास्ट पैराग्राफ था जिसका ट्रांसलेशन मैंने आपको सुनाया।
अब इसके दो प्रश्न जो है वो मैं करवा देता हूँ और उसके बाद जो है हमने ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करेंगे। तीसरे पार्ट के कंप्रिहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस जो है, दो क्वेश्चन हैं आपके सामने हैं। पहला है हु वाज चुनीलाल, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबा। चुनीलाल कौन था और वो, ये तो प्रश्न हो गया चुनीलाल कौन था, और ये प्रश्न है व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू, बिपिन बाबू से वो क्या चाहता था, क्यों आया था बिपिन बाबू के पास में। तो देखिए स्पष्ट लिखा है किताब में, चुनीलाल वॉज बिपिन बाबूज ओल्ड फ्रेंड ऑफ स्कूल, स्कूल का पुराना मित्र था। ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब इसका दूसरा भाग जो है इसका, ही वॉज अंडर गोइंग ए रफ, उसका समय जो है वो खराब चल रहा था। ही वॉन्टेड सम हेल्प अबाउट अ जॉब फ्रॉम बिपिन बाबू, इसलिए वो बिपिन बाबू से कार्य के बारे में, रोजगार के बारे में बिपिन बाबू से कुछ सहायता चाहता, इसलिए वो बिपिन बाबू के पास में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई वाज डॉक्टर चंदा पजल, डॉक्टर चंदा उलझन में क्यों पड़ गए। व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबू लॉस ऑफ मेमोरी, बिपिन बाबू के याददाश्त खोने के बारे में या विस्मरण के बारे में असामान्य क्या। विस्मरण तो होता है, कई जनों की याददाश्त चली जाती है, लेकिन उनकी याददाश्त को, बिपिन बाबू की जो याददाश्त जो थी उसके बारे में असामान्य क्या, ये असामान्य प्रकार की याददाश्त खोने का मामला क्यों था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आफ्टर नोइंग बिपिन बाबू की इलनेस, डॉक्टर चंदावास पटेल बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट केस ऑफ दिस टाइप फॉर हिम। डॉक्टर चंदा के उलझन में पड़ने का मुख्य कारण यह था, जब उन्होंने बिपिन बाबू की बीमारी के बारे में सुना तो वे उलझन में पड़ गए, क्योंकि ये अलग प्रकार का मामला था जो उसके सामने आया, या ये पहला मामला था, ये पहला इस प्रकार का मामला था जो उनके सामने आया, इससे पहले इस प्रकार का मामला उनके सामने कभी नहीं आया। बिपिन बाबू हैड फॉरगॉटन नथिंग एक्सेप्ट हिज ट्रिप टू रांची, बिपिन बाबू कुछ भी नहीं भूले थे सिवाय उनकी रांची यात्रा के। पुराने समय की, प्राचीन समय की, अतीत की जो बातें थी उनमें से केवल जो है बिपिन बाबू उनकी रांची की जो यात्रा, उसी यात्रा को जो है वह भूले थे, बाकी सभी चीजें जो है वो उनको याद थी। तो ये अलग मामला था, ये जो है दिस वॉज अनयूजुअल अबाउट हिज लॉस ऑफ मेमोरी, ये जो है वो उनकी याददाश्त के बारे में असामान्य बात। सिर में चोट लगने से याददाश्त जो है वो कंप्लीटली चली जाती है, ऐसा अक्सर होता है और डॉक्टर भी ये मानते हैं, और ऐसे केस जो है वो हमेशा डॉक्टर के सामने आते रहते हैं, और डॉक्टर चंदा के सामने भी ऐसे केस आते रहे थे, लेकिन ये जो केस था इसमें उनको केवल एक बात याद नहीं थी, उनकी रांची यात्रा याद नहीं थी, बाकी की सभी चीजें जो है उनको याद थी। तो ये जो है असामान्य बात थी उनकी रांची यात्रा के बारे में। तो ये जो है वो आपके दो कॉम्प्रिहेंसिव चेक वाले क्वेश्चंस हैं, सिंपल जो है आंसर है इनके, आप इनका सर्वप्रथम स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप इनको लर्न कर सकें। और मैंने आपको कहा भी था, पहले भी आपको बताया मैंने, कि आप खुद प्रयास करें कंप्रिहेंसिव चेक वाले स्टोरी पढ़ने के बाद, आप खुद जो है उनके प्रयास करेंगे तो आपको मेरे उनके उत्तर लिखवाने से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि खुद जो है वो आपने प्रैक्टिस की हुई होगी। और कॉपियां पढ़ने से, कॉपियों में लिख करके छोड़ देने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें, उनको सीखें, स्टोरी को समझ करके उनके प्रश्न जो पूछे गए हैं उन प्रश्नों को समझें, प्रश्न समझ करके प्रश्न में क्या पूछा गया है और इसका उत्तर स्टोरी में कहाँ हो सकता है और क्या हो सकता है, इस चीज़ को जो है वो आप ध्यान दें और समझने का प्रयास करें। राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, सभी बच्चे अनिवार्य रूप से काम करें, स्कूलें हो सकता है
कि सितंबर में जो है वो खुल जाए, सितंबर लास्ट तक, ऐसा मेरा मानना है। ऐसी गाइडलाइंस जो है वो भी आई है ऊपर से, लेकिन किस दिनांक को किस प्रकार से विद्यालय खोले जाएंगे, क्या सिस्टम रहेगा, वो भी क्लियर नहीं है। लेकिन तब तक जो है वो अपन जो है वो ये चीज़ जो अपनी चल रही है इसको रेगुलर जारी रखें, नियमित रूप से काम करते रहें, लर्न भी करते रहें। इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, उल्टा फ़ायदा ही होगा आपको। ऑनलाइन का भी काम जो है वो आपके हो जाएगा, लर्न भी हो जाएगा आपका। तो आप गंभीरता से इस चीज़ को लेकर के तैयार करें, लिखावट में दिनों दिन जो है वो सुधार करें और पूरा काम करें। और प्रत्येक विषय के लिए कम से कम एक एक घंटा जो है वो हमेशा दें प्रत्येक विषय को, जिससे कि जो है वो सभी विषयों के आप टच में रहें और उनमें जो पढ़ाया जा रहा है वो भी आपके जो है वो क्लियर हो सके। तो आज इसके साथ ही अपना ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका चौथा भाग जो है बिपिन बाबू लैब्स ऑफ मेमोरी, चौथे भाग में देखो ये रांची जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर के फिर उनको याद आता है कि नहीं आता, याददाश्त लौटती है कि नहीं लौटती है, वो सभी चीज़ों के बारे में वहाँ हम जो है वो अध्ययन करेंगे। और ये चौथा भाग ये कंक्लूजन पार्ट है, इस पूरे पार्ट का निष्कर्ष है इसमें, जो याददाश्त के बारे में है तो वो लौटती है कि नहीं लौटती है, सब पूरा निष्कर्ष जो है चौथे पार्ट में, चौथे भाग में जो है वो निकलेगा। तो आप उसके लिए तैयार रहें, स्पेलिंग तैयार करके रखें, याद करके रखें, ताकि विषय वस्तु जो है अच्छी तरह से समझ में आए, सेंटेंस आपके समझ में आ जाए। तो इस बात पर गौर करें और स्पेलिंग्स याद करें और इन प्रश्नों को जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है वो इनके आंसर लिखने का काम करें। इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।